सरकार ने नवी मुंबई, थाने और कल्याण डोंबिवली समेत 13 महानगर पालिकाओं का ओबीसी आरक्षण कार्यक्रम घोषित कर दिया है। निकाय चुनावों के लिए 26 जुलाई को सूचना का प्रकाशन होगा और 29 जुलाई को ओबीसी आरक्षण की प्रत्यक्ष लॉटरी निकाली जाएगी। आरक्षण की अंतिम अधिसूचना 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली है। देखिए रिपोर्ट। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने नवी मुंबई, थाने और कल्याण डोंबिवली, वसई विरार समेत 13 महानगर पालिकाओं में ओबीसी और सामान्य वर्ग के महिला और पुरुष प्रवर्गों के लिए आरक्षण कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने 26 जुलाई को आरक्षण के संदर्भ में सूचना प्रकाशित करने और 29 जुलाई को ओबीसी आरक्षण की प्रत्यक्ष लॉटरी निकालने का निर्देश दिया है। 30 जुलाई को आरक्षण न्याय प्रारूप प्रकाशित होगा। वहीं प्रभाग न्याय आरक्षण सुनिश्चित करने 30 जुलाई से 2 अगस्त तक सूचना और आपत्तियां मंगाई जाएंगी, जिनकी सुनवाई के बाद 5 अगस्त को ओबीसी और महिला आरक्षण की अंतिम अधिसूचना प्रकाशित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।